2 दिन पहले बरेली के साई अस्पताल के आईसीयू में आग लगने की वजह से 2 मरीज जिंदा जलकर मर गईं और एक बुरी तरह झुलस गई थी। आग लगने पर डॉक्टर और स्टाफ भाग निकला था। दूसरे वार्डों में भर्ती मरीजों के तीमारदारों वगैरह ने बामुश्किल दूसरे मरीजों को आईसीयू से निकाला। प्रशासन ने जांच में साई अस्पताल प्रबंधक को लापरवाही का दोषी पाया और साई अस्पताल सील कर दिया। किसी डॉक्टर की किसी करतूत पर कार्रवाई के खिलाफ आईएमए खड़ा होता रहा है। इस मामले में भी वही कर रहा है, जहां कल आईएमए ने हड़ताल की धमकी दी, वही आज शाम अस्पताल पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। मामला पूरा नहीं होने की वजह से सील किया जा रहा है। दूसरी चीज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अभी बात साबित है कि दम घुटने से मौत हुई थी। आपके सवाल में ही आपने जवाब दे दिया, बताइए। अब मेरे पास जवाब देने को बचा क्या? आपने पहला सवाल उठाया कि अस्पताल में मानक पूरे नहीं थे, इसकी कोई चिट्ठी दिखाई है कौन कौन से मानक थे, कौन कौन से पूरे नहीं थे? दम घुटने से डेथ हुई, जो पेशेंट वेंटिलेटर पर है उसको दम एक मशीन के माध्यम से दिया जा रहा है, और यदि उस मशीन के संचालन में उसके ही परिजनों द्वारा बाधा उत्पन्न की गई तो दम तो घुटेगा, लेकिन वो दम आग लगने से घुटा या परिजनों द्वारा अस्पताल के कर्मचारियों के कार्य में बाधा पहुंचाने से घुटा, ये कौन बताएगा? क्या उस समय आग रोकने के पूरे इक्विपमेंट थे यहाँ पे अस्पताल में? ये जांच का विषय है, आप जांच की रिपोर्ट आने दीजिए और जांच की रिपोर्ट के बाद ही कोई चार्जशीट लगाइए। सील करना का क्या मतलब है? इसकी जांच रिपोर्ट में ये बात आई है कि अस्पताल में आग से बचाव के पर्याप्त उसकी एक इंतजाम कॉपी नहीं आप हुए। हमें मुहैया कराइए ताकि हम उसको देख सकें। क्या नाम है आपका डॉक्टर साहब? मैं डॉक्टर राजेश अग्रवाल। इस दुखद घटना को इस तरीके से जोड़ना कि ये आग लगना मरीज की मौत का कारण है, ये जब तक कि रिपोर्ट और जांच के आधार पर साबित नहीं हो जाता कि आग लगने की वजह से ये मौत हुई है, इसको फैलाया जाना हर तरीके से गलत है और बरेली आईएमए इसका विरोध करता है। और इस समय जो प्रशासन की टीम यहाँ पर आई हुई है, बार बार मांगे जाने के बावजूद कोई ऐसा आदेश हमें नहीं दे पा रहे हैं कि किस आधार पर इस अस्पताल को ये लोग सील कर रहे हैं। केवल इसलिए कि प्रशासन एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इसको हासिल, एक मीडिया द्वारा एक रूमर फैलाई गई कि शायद आग की वजह से मरीज मर गए, ऐसा नहीं है। मरीज के तीमारदारों ने अस्पताल के कर्मचारियों के साथ में मारपीट की, इसलिए धुएं के समय में उनको ठीक से रेस्क्यू नहीं किया जा सका, इस वजह से मरीजों की संभवतः डेथ हुई है। बाकी चीज़ें जांच के बाद तय होंगी, और जांच के बाद यदि कोई चीज़ गलत ऐसी पाई जाती है अस्पताल के पक्ष में कि वो ठीक से अपनी चीज़ नहीं कर पाया, तो आप उस पर चार्जशीट लगाइए। इस बीच प्रशासन ने अस्पताल पर नोटिस चस्पा करके अपना रुख साफ कर दिया। अग्निशमन अधिकारी को और जो विद्युत सुरक्षा अधिकारी हैं उनसे जांच कराई गई, तो उन लोगों ने कहा कि विद्युत सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और अग्नि के पॉइंट ऑफ व्यू से यह अस्पताल जो है सुरक्षित नहीं है। जब तक उन मानकों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक जो है अस्पताल का संचालन नहीं होगा। इसी में हम इसको सील कराने के लिए आए थे जिला अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम में, लेकिन अभी हमारी यहाँ के डॉक्टर से वार्ता हुई है, इन लोगों ने ये कहा है कि जब तक हम मानकों को पूरा नहीं कर लेते तब तक हम अस्पताल का संचालन नहीं करेंगे और जो मरीज है हमारे उनको भी 1-2 दिन के अंदर छोड़ देंगे। तो अगर ये वार्ता हो जाती है और इस वार्ता हो जाती है तो इसका जो है सीलिंग कार्रवाई नहीं की जाएगी, और अगर मरीज को देखा जाएगा तब फिर जो आदेश है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का उस पर अभी कब तक के लिए टाइम दिया गया है इनको? कल 11 बजे तक दिया गया है, 10 बजे हम लोग बात करेंगे। 11 बजे मानक पूरे कर लेंगे? 11 बजे नहीं, 11 बजे तक है भाई। ये है, अगर परिसर को हम सील कर देंगे तो एक्टिविटीज तो परिसर के अंदर ही होनी है, तो जब हम सील करेंगे तो एक्टिविटीज कैसे होगी भाई? कुछ मशीन लगाना होगा, कोई सामान लगाना होगा। मरीज की भर्ती तब तक नहीं करेंगे जब तक ये उन मानकों को पूरा नहीं कर पाएंगे।